हेलो, वेलकम टू स्टडी फोरम। स्टडी फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। देखिए, ये हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसमें टॉप 50 एमसीक्यूज कर रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 28th पार्ट है, 28वां पार्ट है, 27 पार्ट ऑलरेडी चैनल पे हैं, उसको आप देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यदि ये स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ इन्हीं के बारे में, तो ये जितने टॉपिक लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो प्लेलिस्ट में जा करके इन पे सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे जो कि इनसे सारे रिलेटेड, इन सभी टॉपिक्स पे मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो गाइस, चैनल पे अगर पहली बार हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे ये होगा कि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे। चलिए, तो बिना देर करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें मैं आप एक चीज़ बहुत बता दूँ कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऑप्शन जो दिए गए हैं, यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है। जैसा कि पता है आपको, बोल्ड लेटर में जो हाइलाइटेड लेटर में लिखा हुआ है वो आपका आंसर है। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए, ये 28वां पार्ट है, बहुत प्रैक्टिस किट सेट करा देंगे यार। बेसिक क्वेश्चन से लेकर के हाई लेवल से लेकर के मॉडरेट लेवल, हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। रिपीटेड क्वेश्चन हम पुछला रहे हैं बीच बीच में, वो इसलिए कि आपको वो चीज़ एक बार रिवीजन भी होता रहे बीच में, ठीक है। तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपका इसमें प्रिपरेशन भी होती रहे, रिवीजन भी होती रहे। तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन हम रिपीटेड डाल रहे हैं ताकि क्वेश्चन को वो बार बार आ जाएंगे सामने, तो वो आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है द रॉम चिप। रॉम का फुल फॉर्म होता है गाइस रैंडम रीड ओनली मेमोरी होता है। चिप विच कैन बी रिटेन सेवरल टाइम्स एंड रिक्वायर द एक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन टू इरेज इट कंटेंट्स। तो EPROM ये कह रहा है कि वो कौन से इसमें से EPROM का रोम का वो डिवाइसेस है जिसको हम सेवरल टाइम रीराइट कर सकते हैं और उसको इरेज करने के लिए UV रेज की ज़रूरत होती है, यानी कि उसके डेटास को, उसमें इंफॉर्मेशन को मिटाने के लिए। तो वो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है EPROM का। तो ठीक है, तो ऑप्शन हो जाता है EPROM को के साथ हम ऐसा करते हैं। FPI stands for, FPI का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? FPI का फुल फॉर्म होता है फ्रेम पर इंच, ठीक है। DPI का फुल फॉर्म है डॉट पर इंच होता है। और टेराबाइट कंप्राइजेस, टेराबाइट में मतलब क्या होते हैं, कितने? तो 1 TB की बात करूं अगर मैं, तो 1 TB में आपके होते हैं 1024 GB। तो देखिए गाइस, मेमोरी की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो वहाँ GB 1 बीट में कितने बाइट होते हैं, या 1 बाइट में कितने 8 बिट में कितने बाइट होते हैं, ये पूरा बताया गया है। GB क्या होती है, MB क्या होती, KB क्या होती है, TB क्या होती, BP क्या होती है, XB क्या होती है, सारा का सारा उसमें हमने डिस्कस किया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेमोरी विच इज़ एट मोस्ट एक्सेसिबल टू द प्रोसेसर। तो ये कह रहा है कि वो कौन सी मेमोरी है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल होती है प्रोसेसर, तो वो कैश मेमोरी होती है। तो कैश कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी फर्स्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ डिस्क डस द रीड राइट हेड फिजिकली टच द सरफेस। तो वो होती है फ्लॉफी डिस्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे लग रहा है ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आपके मेमोरी से हैं। वट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ टाइपिंग एंड फंक्शन इन टू अ सेल। तो ऑप्शन हो गया इक्वल साइन, फंक्शन नेम एंड मैचिंग ब्रैकेट। गाइज, आपको एक चीज़ की दिक्कत हो सकती हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बताइए अगर फास्ट में चल रहा हूँ तो। और हाँ, वैसे फास्ट मेरे ख्याल से नहीं है, क्वेश्चन को पढ़िए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर आपको टाइम देना है इस पर तो टाइम दे कर पॉज करके वीडियो को आप करिए। हम फास्ट भी कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आप प्रैक्टिस सेट अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे तो आपको भी बहुत ईजी लगेगा चीज़ें, अब आप भी जल्दी जल्दी करने स्टार्ट कर देंगे। इफ़ यू सी अ स्मॉल रेड ट्राइंगल इन अ टॉप राइट कॉर्नर ऑफ अ सेल, इट मीन्स देयर इज़ अ समथिंग अटैच टू द कॉल, वट इज़ इट। तो वो कहना चाह रहा है, इफ़ यू सी स्मॉल रेड, कोई छोटा सा ट्राइंगल, रेड ट्राइंगल की तरह अगर आप किसी भी सेल के कॉर्नर में देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? तो ये होता है कॉमेंट का। क्या होता है गाइस? कॉमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैच मेमोरी इज़, कैच मेमोरी क्या है? इट इज़ स्मॉलर एंड फास्टर देन मेन मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है ये बहुत छोटी होती है, बहुत ही फास्टर भी होती है मेन मेमोरी से। वैसे सबसे फास्टेस्ट मेमोरी की मैं बात करी तो रजिस्टर होता है।
द ओवरऑल डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर कनेक्टिंग ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज रेफर टू। ये कह रहा है कि कोई भी अगर कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन और ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की, तो वो किसको कहते हैं, क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाता है वो। बाई बायोस BIOS आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए ये क्या, हैंडलिंग द पार्टिकुलर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, BISYNC, इसको बैंसिस भी कहते हैं एब्रिविएशन, तो इसको कहते हैं बाइनरी सिंक्रोनस, ठीक है, फुल फॉर्म होता है बाइनरी सिंक्रोनस, बायसिंग पढ़ते हैं इसको। अ प्रोसेस ऑफ ट्राइंग आउट अ न्यू प्रोडक्ट बाय द इंडिपेंडेंट यूजर बिफोर इट इज़ फाइनली मैन्युफैक्चर एंड डेवलप, इसको कहते हैं बीटा टेस्ट। कहने का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्राइंग अ न्यू प्रोडक्ट बाय इंडिपेंडेंट यूजर बिफोर द फाइनली परचेस एंड डेवलप्ड मैन्युफैक्चर एंड डेवलप, इसको बीटा टेस्ट कहते हैं। एक तरीके को उसको मार्केट में लाने से पहले टेस्ट करना होता है, बीटा टेस्ट, उसको बीटा टेस्ट कहते हैं। एन ईमेल प्रोटोकॉल फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट एंड चेंज स्पेशली इन कॉरपोरेट ऑफिस, इट इज़ अ मैसेज हैंडलिंग सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पासवर्ड इज अ, पासवर्ड क्या होता है गाइज, अ कोड बाई विच यूजर गेन्स एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। पासवर्ड क्या होता है गाइज, कि एक आपका कोड होता है जिससे आप किसी भी सिस्टम यानी अपने सिस्टम में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, या अपना कोई भी डेटा हो, कोई भी फाइल बना रखे हो, पासवर्ड लगा रखे हो, या अपने मेल को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक वेयर डिजिटल सिग्नेचर्स आर कन्वर्ट टू इट्स एनालॉग फॉर्म अ ट्रांसमिशन ओवर एन एनालॉग फैसिलिटी इज कॉल्ड, इट इज़ अ मॉड्यूलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैरो बैंड चैनल इज अ कम्युनिकेशन चैनल, तो नैरो बैंड चैनल क्या होता है, एक तरीके का कम्युनिकेशन चैनल होता है दैट हैंडल्स लो वैल्यूम ऑफ द डेटा। नैरो का मतलब होता है गाइस कि छोटा, ठीक है, एक पतला कह लो तो उसको नैरो कहते हैं, उसको वाइड होता है बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIME इज अ एनक्रोनिम्स फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है MIME का, तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, तो ठीक है इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पुट करिए, पढ़िए, द डिफ़ॉल्ट सेटिंग आर द ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड। कहने का मतलब डिफ़ॉल्ट की बात करें तो डिफ़ॉल्ट होता क्या है, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है एक ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड सेटिंग होती है आपकी किसी भी प्रोग्राम या किसी भी एप्लीकेशन की, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो एक ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड उसका होता है। पॉपअप्स आर फॉर्म अप, पॉपअप्स क्या होता है, पॉपअप्स कई बार आप सुने होंगे, आर द फॉर्म ऑफ ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जो WWE पे होता है, एक तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होता है ये, ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इसमें क्या ट्रू है, तो ऑल ऑफ द ट्रू आंसर है, तो पढ़ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा। इट इज़ ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, ये क्या करता है, इंटरफेस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच में। इट मैनेज ऑल रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इट डज ऑल मेमोरीज मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क, ये सारे मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क को कंप्लीट भी करता है। नेक्स्ट, अ फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विथ, कोई भी फार्मूला जो होती है एक्सेल में वो स्टार्ट होती है किससे होती है, इक्वल साइन से, कौन से साइन से गाइस, इक्वल साइन से ये स्टार्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल, तो ये कह रहा है कि क्या डिस्प्ले करता है कंटेंट एक्टिव सेल को, यानी कि एक्सेल में एक्टिव सेल्स को जो डिस्प्ले करता है वो किस में सेल होता है, वो फॉर्मूला बार में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टैब स्क्रॉलिंग बटन्स, टैब स्क्रॉलिंग बटन्स जो होता है एंड अलाउ टू व्यू एडिशनल सीट टैब, ठीक है, allow to you view additional seat tabs. What is the keyboard shortcut for creating a chart from the selected cell? पूछ रहा है कि इसमें what is the shortcut key होता है creating chart in active selected cell में, तो F11 is the right answer. F11. You cannot close MS Word application by
आप कह रहा है कि कैन नॉट से क्लोज एमएस एप्लीकेशन को क्लोज नहीं कर सकते हैं किससे, तो इसे फ्रॉम द फाइल मेनू चूज द क्लोज सब मेनू। देखिए क्रॉस पे क्लिक कर दो, हो सकता है F4 भी होता है, चूजिंग मेन्यू यहाँ पे फाइल मेनू एग्जिट बस सब सकते हैं, यहाँ से कर सकते, तीनों से फोर ऑप्शन पे नहीं हो सकता। विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड्स, इसमें पूछ रहा है कौन सी फाइल इसमें एमएस वर्ड से स्टार्ट होगी। तो देखिए एक तो आपका वर्ड डॉट एक्स है, एमएस वर्ड डॉट एक्स ये नहीं, आपका ये आपका विन डॉट वर्ड एक्स से आपका फर्स्ट इज़ अ राइट आंसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन देखिए चारों पांचों ऑप्शन देखिए, आपको चारों ऑप्शन कन्फ्यूजिंग है। वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन, तो वो क्या कह रहा है कि वेयर यू कैन फाइंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार इन एमएस वर्ड स्क्रीन, एमएस के वर्ड स्क्रीन पे आप कहाँ पे स्प्लिट जो बार होती है कहाँ पे देखते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है उसके टॉप पे आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज टू, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का एक फंक्शन पूछ रहा है क्या होता है, रिसीव डेटा फ्रॉम अ रजिस्टर, ये डेटा को रिसीव करता है कहाँ से, रजिस्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, व्हाट इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बीट्स दैट द सीपीयू प्रोसेस यूनिट, इसको कहते हैं कंप्यूटर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऑप्शन सेकंड राइट आंसर ऑप्टिकल रिकॉग्निशन होगा, तो इसको हम यहाँ पुट करके समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। ऑप्टिकल रिकॉग्निशन सिस्टम यूज अ लाइट बीम टू स्कैन इनपुट, ठीक है, या क्या करता है कि लाइट बीम को यूज़ करता है, स्कैन करता है आपकी इनपुट डेटा को, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, विच आर सेंड टू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, फिर क्या करता है वो सेंड कर देता है कंप्यूटर को प्रोसेस करने में। कहने का मतलब है कि वो ऑप्टिकल रिकॉग्निशन जो होता है ये एक तरीके का आपका लाइट बीम होती है जो कि इनपुट को स्कैन करके उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देता है, फिर उस सिग्नल को क्या करता है सेंड करता है कंप्यूटर को उसको प्रोसेस करने के लिए फर्दर उसका जो टास्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैं पुट करता हूँ आंसर डायरेक्टली, इसका आंसर होगा वन, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस एक्सेप्ट द स्पोकन वर्ड थ्रू अ माइक्रोफोन एंड कन्वर्ट इट टू बाइनरी कोड्स दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई द कंप्यूटर। स्पीच रिकोगनीशन क्या होता है गाइस कि कभी कभी आप मोबाइल फ़ोन में देखे होंगे, व्हाट्सअप यूज़ करिए तो जहाँ मैसेज टाइप करते हैं वहाँ पे एक माइक बना होता है, वो एक तरीके की स्पीच रिकोगनीशन का काम करता है, वो आपके लैपटॉप में भी होते हैं कहीं भी होते हैं, वो लैपटॉप में आपके बने होते हैं, तो वो करता क्या है डिवाइस एक तरीके का, आप जो बोलते हैं उन वर्ड को क्या करता है माइक्रोफोन एक तरीके का होता है, वो कन्वर्ट कर देता है उस कोड को बाइनरी कोड में, और बाइनरी कोड को क्या करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर देता है, क्योंकि बाइनरी कोड क्या होता है एक तरीके की मशीन लैंग्वेज होती है, जीरो और वन के फॉर्म में ही कंप्यूटर हमारा समझ सकता है। तो स्पीच रिकॉग्निशन क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन इन अ रैंडम ऑर्डर, रैंडमली ऑर्डर में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका नाम क्या है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग उसको कहते हैं। रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होता है, मीन्स दैट द ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस फास्ट एनफ फॉर द रिजल्ट टू कम बैक एंड एक्टेड अपॉन राइट अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क कैचिंग, डिस्क कैचिंग यूज एन एरिया ऑफ मेमोरी टू टेम्पररीली स्टोर डेटा फ्रॉम डिस्क दैट द प्रोग्राम माइट नीड सून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, डिस्क कैचिंग कहलाता है। फिर से पढ़ लीजिए, डिस्क कैचिंग यूजेस एन एरिया ऑफ मेमोरी टू टेम्परेरली स्टोर डेटा, ये क्या कर रहा है, डिस्क कैचिंग जो होती है एक एरिया होती है जो कि मेमोरी को स्टोर करती है टेम्परेरली डेटा को, फ्रॉम डिस्क डिस्क के दैट प्रोग्राम माइट नीड सून, जो कि बाद में अगर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है तो उसको यूज़ कर लेता है। व्हाट इज़ अ डिवाइस दैट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिकल्स प्रोग्राम फ्रॉम अफेक्टिंग कंप्यूटर डेटा फाइल्स, ये है सर्ज प्रोटेक्टर। व्हाट इज एनी टेक्स्ट दैट कैन बी कीड इन सच एज अ मेमो, तो उसको कहते हैं अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन है। फिर से एक बार देखिए, व्हाट इज द टेक्स्ट दैट कैन बी कीड
सच एज अ मेमो, मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होती है. वट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम लेट यू प्रोड्यूस प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग बोथ टेक्स एंड ग्राफिक्स. तो इसको कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग. वेरी इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों सही है इसमें. द लेटर एंड नंबर्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलन एंड रो इन द, ये सेल एड्रेस होते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन है. वट इज़ द स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज सपोर्टेड बाई द DBMS. तो DBMS जो कोई एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है उसको सेलेक्ट करती है SQL. SQL होती है गाइज, हमारी एक SQL पे अलग से वीडियो है, DBMS पे 6-7 वीडियो हैं. SQL में आपके सारे कमांड्स हमने उसके बारे में थोड़ा बताया, उसके फुल फॉर्म जैसे DML होता है, DDL होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. तो इनके बारे में उनके कमांड्स क्या क्या होते हैं वो आपके कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो वो डायरेक्ट हमने वहाँ पे बता रखा है, उसको आप देख सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक अ कंप्यूटर यूजफुल. तो कंप्यूटर को यूज़फुल बनाने के लिए 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. पहला तो स्पीड होती है, रिलायबिलिटीज़ होती है, एंड स्टोरेज कैपेसिटीज़ होती है. ठीक है, ये ऑप्शन देख के आप बड़ी आसानी से कर सकते थे, ये इजी क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ग्रुप वेयर. तो कह रहा है इसमें से क्या चीज़ है जो आपका एक एग्जैक्ट ग्रुप वेयर का यूजेज होते हैं. और टीम प्रोजेक्ट होता है, ग्रुप वेयर मतलब एक ग्रुप्स में काम करना, ये क्वेश्चन एक तरीके का है. सॉफ्टवेयर यूज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट कैन स्टोर डेटा, अपडेट एंड मैनिपुलेट इट, रिट्रीव इट, रिपोर्ट इट एंड प्रिंट इट. देखिए इसमें बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, आपको अगर DBMS के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन पता होगी तो DBMS क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, अपडेट करता है, मैनिपुलेट करता है, रिट्रीव करता है, रिपोर्ट करता है. अभी ऊपर मैंने कहा DML वगैरह, तो DML का फुल फॉर्म क्या, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ये DBMS का एक लैंग्वेज होती है, उसी तरीके के काम एक कमांड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. फॉर्मेटिंग एंड वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क नहीं होता. इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि ये तीनों जो ऑप्शन ये ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क हैं. तो आप समझ लीजिए, एग्जीक्यूटिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैनेजिंग द कंप्यूटर रिसोर्स एंड एस्टेब्लिश द यूजर इंटरफेस. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा है उसमें क्या करते थे, वही यहाँ पे रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं ध्यान से. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प डिस्क्राइब द विंडोज़ .NET सर्वर. तो विंडो .NET सर्वर्स को क्या डिस्क्राइब कर सकता है, इट इज़ अ डिज़ाइन फॉर द डिफरेंट लेवल ऑफ नेटवर्क कम्प्लेक्सिटी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट इन द सर्च ऑफ न्यू प्रीवियसली अनडिस्कवर्ड रिलेशनशिप इज नोन एज अ, इसको डेटा माइनिंग कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, फिर से पढ़ ली, द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस या एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट इन द सर्च ऑफ न्यू प्रीवियसली अनडिस्कवर्ड रिलेशनशिप इज नोन एज डेटा माइनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकस ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज टू. इट्स ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर लोकेटेड फिजिकली क्लोज टूगेदर ऑफ्टन इन अ स्पाल ऑफ्टन इन अ सेम बिल्डिंग. इसको कहते हैं लैन. वेरी इजी है गाइस ये क्वेश्चन है आपके, कह रहा है कि बहुत ही लोकल जगह पे या कम एरिया पर अगर आप कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए. वट इज़ अ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर दैट इज़ कनेक्टेड टू द सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड. तो इसको क्या कहते हैं, इंटरनल मॉडेम कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ सर्वर कन्वर्ट्स आईपी एड्रेसेस टू डोमेन नेम. तो आईपी एड्रेस से क्या कहते हैं, डोमेन नेम में चेंज करता है सर्वर का क्या नाम होता है, DNS, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर. तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, उसके पहले सब्सक्राइब करिएगा. कंटेंट्स अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइएगा गाइस, आपके लाइक से और आपके सब्सक्रिप्शन से कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलता है. तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इन द OSI मॉडल द एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन हैंड हेल्ड इन द ईयर
इन द लेयर फिजिकल लेयर। तो देखिए OSI मॉडल का गाइज एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे तीसरी और चौथी वीडियो शायद होगी, आप देखेंगे वहाँ पे OSI मॉडल के सारे लेयर्स जो हैं उनके लेयर पे हमने बताया है कौन कौन से लेयर में कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं। जैसे मैं बात करूँ कि अगर आपसे कहता है कि राउटर या स्विच या हब जो हो गए ये किस लेयर में वर्क करते हैं, तो वहाँ पे हमने उन्हें डिटेल में डिस्कस किया है, एक एक लेयर के बारे में पढ़ा वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं, आप देख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।